हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक हमारे चैनल मूवी कास्ट में। गाइस फाइनली जिस मूवी का हम सभी को वेट था वो मूवी आ ही गई है। जी गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी जेम्स बॉन्ड सीरीज के नेक्स्ट पार्ट नो टाइम टू डाई की। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को नो टाइम टू डाई मूवी की रिलीज डेट और कास्ट के अलावा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलें गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर मूवी नो टाइम टू डाई की ऑफिशियल रिलीज डेट की। गाइस इस मूवी की ऑफिशियल रिलीज डेट 8 अक्टूबर 2021 बताई जाती है। और साथ में गाइस आपको बताते चले, इस मूवी को मिलाकर अब तक जेम्स बॉन्ड सीरीज की 25 सीरीज हो चुकी है, यानी कि ये मूवी 25th सीरीज है। तो गाइस बात की जाए डायरेक्टर की, तो इस मूवी को ऑफिशियली डायरेक्ट किया कैरी जोजी ने, जो कि एक अमेरिकन फेमस डायरेक्टर और फिल्म मेकर है। गाइस कैरी जोजी 10 जुलाई 1977 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त कैरी जोजी की एज 44 बताई जाती है। और साथ में गाइस बात की जाए प्रोड्यूसर की, तो इस मूवी को प्रोड्यूस किया माइकल जी विल्सन ने, जो कि एक अमेरिकन और ब्रिटिश फेमस प्रोड्यूसर है। और एंड में गाइस हर बार की तरह इस बार भी बात करेंगे इस मूवी की फुल कास्ट की, और कास्ट में शामिल है डैनियल क्रेग। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं डैनियल क्रेग इस मूवी में मेन कैरेक्टर हीरो का रोल निभा रहे हैं। गाइस डैनियल क्रेग एक इंग्लिश फेमस एक्टर है और गाइस इन्होंने अपने करियर को 1992 में स्टार्ट किया था। गाइस डैनियल क्रेग 2 मार्च 1968 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त डैनियल क्रेग की एज 53 बताई जाती है। रामी मैलक, गाइस अमेरिकन फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर। रामी मैलक 12 मई 1981 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त रामी मैलक की एज 40 बताई जाती है। साथ में गाइस आपको बताते चले, रामी मैलक ने अपने करियर को 2004 में स्टार्ट किया था। लिया सिडू, गाइस लिया सिडू एक फ्रेंच फेमस एक्ट्रेस और मॉडल है और गाइस इन्होंने अपने करियर को 2005 में स्टार्ट किया था। गाइस लिया सिडू 1 जुलाई 1985 को पैदा हुई और गाइस इस वक्त लिया सिडू की एज 36 बताई जाती है। लशाना लिंच, गाइस 2007 में अपने करियर को स्टार्ट करने वाली ब्रिटिश फेमस एक्ट्रेस लशाना लिंच 27 नवंबर 1987 को पैदा हुई और गाइस इस वक्त लशाना लिंच की एज 33 बताई जाती है। बेन विशा, गाइस इंग्लिश एक्टर बेन विशा 14 अक्टूबर 1980 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त बेन विशा की एज 40 बताई जाती है। बिली मैगनसन, गाइस बिली मैगनसन एक अमेरिकन एक्टर है और गाइस बिली मैगनसन 20 अप्रैल 1985 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त बिली मैगनसन की एज 36 बताई जाती है। डेविड डैंसिक, गाइस स्वीडिश फेमस एक्टर डेविड डैंसिक 31 अक्टूबर 1974 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त डेविड डैंसिक की एज 46 बताई जाती है। नियोमी हैरिस, गाइस इंग्लिश फेमस एक्ट्रेस नियोमी हैरिस 6 सितंबर 1976 को पैदा हुई और गाइस इस वक्त नियोमी हैरिस की एज 44 बताई जाती है। रोरी केनियर, गाइस रोरी केनियर 17 फरवरी 1978 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त रोरी केनियर की एज 43 बताई जाती है। एनाडा आर्मस, गाइस 2006 में अपने करियर को स्टार्ट करने वाली क्यूबन फेमस एक्ट्रेस एनाडा आर्मस 30 अप्रैल 1988 को पैदा हुई और गाइस इस वक्त एनाडा आर्मस की एज 33 बताई जाती है। राल फाइंस, गाइस राल फाइंस एक इंग्लिश फेमस एक्टर और प्रोड्यूसर हैं और गाइस राल फाइंस 22 दिसंबर 1962 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त इनकी एज 58 बताई जाती है। जेफरी राइट, गाइस जेफरी राइट एक अमेरिकन एक्टर हैं और गाइस जेफरी राइट 7 दिसंबर 1965 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त इनकी एज 55 बताई जाती है। और एंड में गाइस इस मूवी की कास्ट में आते हैं क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन फेमस एक्टर हैं। गाइस क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज 4 अक्टूबर 1956 को पैदा हुए और गाइस इस वक्त इनकी एज 64 बताई जाती है। तो गाइस आप क्या कहते हो जेम्स बॉन्ड सीरीज के न्यू पार्ट नो टाइम टू डाई के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।